सिंगरौली में विभिन्न घाटों पर व्रतियों ने प्रातः उदय चल गामी सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया। चार दिन से चल रहे छठ पर्व का विभिन्न घाटों में सुबह सूर्य देव की पूजा अर्चना कर व्रत खोला गया। वहीं नगर पालिका ने भी श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर लाइटिंग की व्यवस्था की थी। चार दिनों तक चले इस पूजा के आखिरी दिन सूर्य देव को आराधना और कृपा प्राप्ति के लिए महिलाएं भोर से ही हाथ में पूजा और भोग के सामान से भरा सूप लेकर नदी और तालाबों में खड़े होकर सूर्य देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा करती रही। सूर्य की पहली किरण देखते ही व्रतियों ने अर्घ देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नहाए खाए से शुरू हुए इस महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद चढ़ाकर और खाकर व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू किया था। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को जल से अर्घ दिया गया था और आज सुबह दूध से अर्घ देकर इस पर्व की समाप्ति हुई। छठ पर्व का उत्साह स्थानीय बच्चों में भी खूब दिखा। बच्चे सुबह तक घाटों पर आतिशबाजी कर महापर्व का आनंद लेते रहे। नगर पालिका ने भी श्रद्धालुओं के व्यवस्थित पहुंचने के लिए जगह जगह पर लाइटिंग की व्यवस्था की थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।